हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल बॉन पिस्टन कैसे हैं आप सभी आई होप सो आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे एम टी फिफ्टीन को तो आप सभी काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे और वीडियो टाइटल लाइन देख करके समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों एम टी फिफ्टीन एक ऐसी बाइक है जो सेगमेंट में तो भले इस बाइक के ना आती हो बट जिस प्राइस रेंज पर आती है और जो जो चीज़ें ऑफर करती है ना वो शायद कहीं ना कहीं उस बाइक को काफ़ी कॉम्पिटिशन देती है जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एन की अभी तक एन को मतलब इतने टाइम हो गया भाई लॉन्च हुए आज तक बजाज ने कोई भी अपडेट नहीं दिया हमने इतनी रिक्वेस्ट करी बट हमें कोई भी फीचर ऐसा जो है वो नहीं मिला और जब इन्होंने एन एस के अंदर अपडेट दिया उतने में यामाहा ने अपनी एम टी फिफ्टीन को वर्जन थ्री तक लॉन्च कर दिया और ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर कर दिए जो आप सोच भी नहीं सकते तो आज हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो एम टी फिफ्टीन वर्सेज एन जो आपको यू एस या फिर न्यू मॉडल वाली देखने को मिलती है कौन सी

चीज़ क्लियर हो जाती है अगर आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए तो आप एन एस टू हंड्रेड की तरफ जाना बिकॉज इसके अंदर आपको पावर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा एम टी फिफ्टीन के मुकाबले नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं फीचर्स तो भाई फीचर्स के अंदर तो आज भी या को किसी ने बीट नहीं किया मतलब एन एस टू हंड्रेड का नया अपडेट आया है उसके बावजूद भी वो उससे कहीं ना कहीं पीछे है फीचर्स के मामले में लाइक आपको यू मिलता है टी कंट्रोल मिलता है ऑल एड सेटअप एल्मोनियम स्विंगाम डूअल चना ए बी एस वाइडेड टायर्स ऑल डिजिटल कंसोल जो है वो सारे फीचर्स कहीं ना कहीं आप लोगों को एम के अंदर देखने को मिलते हैं वहीं अगर मैं बात करूँ एन एस के अंदर जो अपडेटेड आई है उसके अंदर क्या, क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है कंपनी तो पहले आप लोगों वो भी जानते थे कि भाई कुछ खास फीचर्स ऑफर ही नहीं करती थी कुछ भी नहीं आता था उस बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंजन लगा था जिसके लोग दीवाने थे बट अब थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं वो एड ऑन कर दिए हैं सबसे पहली चीज़ आपको थर्टी थ्री का यू एस सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है फ्रंट में साथ ही साथ में बाइक के जो सेफ्टी है उसको भी काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है यहां पर आप लोगों के लिए डुअल चैनल एबीएस भी प्रोवाइड कर दिया गया है कंपनी में और गियर इंडिकेटर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि भाई गियर इंडिकेटर दो गो तो फाइनली उसी सेमी डिजिटल कंसोल के अंदर आप लोगों के गियर इंडिकेटर भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि सही है भाई मतलब एटलीस्ट ऐसे फीचर्स दे थे जो यूजफुल रहने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो डुअल चैनल एबीएस था मेरे हिसाब से तो भाई अगर आप लोगों को फीचर्स के मामले में कोई बाइक देखनी है अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो भाई की तरफ जा सकते हो बट अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत से ऐसे फीचर्स जो आप लोगों के लिए यूजलेस है काफी लोग ऐसा है जैसे लाइक टीसीएस किसी के काम का नहीं है या फिर आप लोगों को ऑल डिजिटल कंसोल उतना पसंद नहीं आता बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि शायद आप लोगों को पसंद आए तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप एन की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं अब बात करता हूँ टायर के बारे में यानी अगर आप लोगों को लीन करना है या डेली रोजमर्रा की जिंदगी में चलना है तो उसकी इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी है कौन से टायर जो है वो ज्यादा अच्छे हैं एम के बारे में बात करूँ तो हंड्रेड बाई एटी सेवेंटी इंच के फ्रंट में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिलते हैं वन फोटी सेवन सेवन इचिस का आपको और रेडियल टायर जो है वो पीछे देखने को मिलते हैं यहां पर अगर आप एम टी फिफ्टीन और एन एस के अंदर देखोगे तो एन एस के अंदर आपको टायर है जितना टायर मिलते हैं, मिलते हैं, टायर हैं। है आप आप ग्रिप काफी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है और चौड़े टायर है अगर आप एन एस के मुकाबले देखते हो एन एस के अंदर भाई थोड़े बहुत छोटे टायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं बट काफी बार क्या होता है कि अगर आप इस बाइक को लीन वीन करोगे ना तो आपको वहां का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बट हाँ काफी लोगों के मन में रहता है कि यार थोड़ा और एक सौ चालीस रहता है या डेढ़ सौ सेक्शन का रहता है तो कहीं ना कहीं

आप लोगों का ज़्यादा वेट होने का भी एक फ़ायदा है देखो लाइट वेट अगर बाइक रहेगी तो भाई यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को चलाने में बहुत ज़्यादा आसान रहेगी बट जब आप कभी हाईवे पर जाओगे या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा हवा लगेगी विंड ब्लास्ट होगा ना तो वहाँ कहीं ना कहीं बाइक जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो वॉबल करने लगती है बट वही अगर मैं एन एस के बारे में बात करूँ ना भाई वेट ज़्यादा है बट ये बाइक इतनी ज़्यादा जबरदस्त है ना मतलब रोड पर ऐसे चिपक करके चलेगी ना कि मतलब कोई कुछ नहीं हवा आ जाए कुछ भी आ जाए इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है हैंडलिंग के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बाइक की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मतलब अगर आप लोगों को छोटी से छोटी गलियों में निकलना है ट्रैफिक में निकलना है मतलब डेली लाइफ में अगर आप इन दोनों को चलाना दो होगी दोनों ही कंफर्ट है वो कैसा है तो अगर आप एम की तरफ जाओगे और अगर आप कहीं ना कहीं काफी इरीटेट हो जाएगा क्योंकि सीट है ना वो काफी ज्यादा छोटी है मतलब एम टी में उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनको सिंगल चलना है ना कभी कभार मम्मी के चलेगी तो बात अलग है बट मोस्टली जो है वो आप लोग सिंगल चलते हो तो आप लोगों कोई दिक्कत नहीं होने वाली वहीं अगर मैं एनएस के बारे में बात करूं तो देखो इसका नॉर्मल सीट कंफर्ट और आप लोगों का पिलियन सीट कंफर्ट दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया है कहीं पे भी आप लोगों को जो है वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपको शॉर्ट राइड पे जाना है या लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है लॉन्ग टूर करना है भाई आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली एम में थोड़ा बहुत अगर पिलियन जाता है साथ में तो मे भी हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम जो है वो हो जाए नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सर्विस कॉस्ट आप सभी को मालूम होगा बजाज जो है भाई वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लाता है और साथ ही साथ में सर्विस भी वैल्यू फॉर मनी करता है तो यहाँ पर क्या चीजें हैं लाइक अगर आपको सर्विस करानी है तो वो भी आप लोगों की कम कॉस्ट में हो जाएगी और उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहां से कंपेयर करोगे ना पार्ट्स के मुकाबले भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मतलब मैं, मैं खुद यहां को ओन करता हूँ मेरे पास आर ओन है और अगर आप लोग उसकी रियर डिस्पैट देखोगे ना तो उसकी कॉस्ट लगभग आप लोगों हजार रुपए के आसपास में पड़ती है वहीं अगर मैंने आर एस को भी ओन कर रखा था सिर्फ और सिर्फ तीन सौ रुपए में आप लोगों को जो है डिस्पैट जो है वो आर के मिल जाते हैं तो यहाँ पर जो बजाज रहने वाला है भाई वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है तो वो चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को आफ्टर सेल कैसी चाहिए मतलब सर्विस कॉस्ट कम चाहिए या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड हो तो अगर आप झेल सकते हैं तो आप जा सकते हैं क्स और लास्ट क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हम लोग लें किस बाइक को कौन सी बाइक हम लोगों के लिए बनी हुई है तो देखो भाई सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा एम टी फिफ्टीन जब से मार्केट के अंदर आई है ना इसने मतलब सबके ना वाट लगा रखी है मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स मैं मानता हूँ यह एक्सपेंसिवर साइड है बट काफी लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं मेरे लिए तो यह बाइक सही है मैं इतने पैसे दे सकता हूँ तो वो लोग तो आँख बंद करके आप एम की तरफ चले जाओ बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा होगा या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पावरफुल मशीन चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ भाई आप एन की तरफ भी जा सकते हो अब तो आप लोगों को डुअल चैनल ए भी मिल रहा है मतलब सेफ्टी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को डुअल चैनल ए उस बाइक में लगता था उसके अलावा कुछ फीचर ऑफर करे ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं थी बट यहां पर आप लोगों को डुअल चैनल ए मिल रहा है गियर इंडिकेटर मिल रहा है तो ये चीजें काफी ज्यादा बढ़िया है और यूएस सस्पेंशन भी मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस बाइक की तरफ जा सकते हो अगर आपको पावरफुल मशीन चाहिए बट हां यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूं कि एम के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी या फिर अगर आप एन ले रहे हो तो आपको एन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी सबसे पहली चीज अगर आप एम टी लोगे तो भाई आप लोगों को पिलियन राइडर का जो सीट कंफर्ट

कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन फील होंगी जो कि एम में आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती और उसी के साथ साथ अगर मैं बाकी सारी चीजों के बारे में बात करूँ तो थोड़ा बहुत हीटिंग इशू जो है वो एन के अंदर हो सकता है बिकॉज बड़ा इंजन है बाकी ऐस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे हिसाब से बाकी यही था आज का वीडियो आई होप्प so, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय